रोड पे वापिस हुआ। ये काम हुआ इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी आपस में मंच पर ही भिड़ गए। ये तस्वीरें फरीदाबाद का है, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एक सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत करने के लिए एक कार्यक्रम में आए थे। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही मंच पर ऐसा हंगामा हुआ कि बात हाथापाई और गाली गलौज तक पहुंच गई। अब आप इस घटना की पूरी कहानी भी सुन लीजिए। अभी आप जिस शख्स को मंच से भाषण देते हुए देख रहे हैं वो RWA के प्रधान वीरेंद्र बड़ाना उर्फ विंदे है, और जो माइक छीनता शख्स आपको दिख रहा है वो पूर्व नगर निगम पार्षद कैलाश बैसला है। खास बात यह है कि ये दोनों BJP के समर्थक हैं और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी भी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि मंच पर ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों आपस में ही भिड़ गए और माइक तक तोड़ डाली। दरअसल वीरेंद्र भराणा का जब मंच से लोगों को संबोधन करने की बारी आई तो उन्होंने ग्रीनफील्ड कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजर की कहानी सुनाते हुए अधिकारियों पर टिप्पणी कर दी, जो बात वहां मौजूद पूर्व नगर निगम पार्षद कैलाश बैसला को पसंद नहीं आया। जिसके बाद क्या था, कैलाश बैसला अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और वीरेंद्र भराणा के आगे से माइक छीन लिया। इस छीना झपटी में माइक टूट गया और कैलाश बैसला ने कहा कि सार्वजनिक मंच से किसी को ऐसा नहीं कह सकते। इन दोनों का विवाद यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद नौबत और बिगड़ गई और बात गाली गलौज से होते हुए हाथापाई तक पहुंच गई। ये सारा घटनाक्रम मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने हो रही थी। कृष्णपाल गुर्जर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इन दोनों के मुंह ताकते रह गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसके साथ खड़े हों। लेकिन अंत में उन्होंने एक दूसरा माइक अपने हाथ में थामा और कहा कि ये लोग यहाँ पर झगड़ा करने या झगड़ा देखने के लिए नहीं आए हैं। ये लोग यहाँ पर झगड़ा देखने नहीं आए, ये बात सुनने आए। अब बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, पहले बैठा हो सब। वीरेंद्र भड़ाना और कैलाश बैसला एक दूसरे के साथ कुछ देर तक धक्का मुक्की करते रहे। अंत में मामला बिगड़ता देख पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों को मंच से उतार कर मामले को शांत करवाया। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।